अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ नेटवर्क का फेसबुक हैंडल और आपके साथ में हुलूम सुलेमान। बात करेंगे कश्मीरी सेबू को लेकर, बात करेंगे कश्मीरी काश्तकारों को लेकर जो पिछले कई दिनों से परेशान है। आपको बताता चलूँ कि बांग्लादेश में जो कश्मीरी सेबू की कीमतें हैं उनमें 40% इजाफा किया गया है, जिसके नतीजे में वहाँ पर जो फलों पर आयद आखिरी ड्यूटी है वो वाजह तौर पर बढ़ गई है, जिसके नतीजे में कश्मीरी काश्तकार जो है काफ़ी परेशान है। आपको बताता चलूँ कि बांग्लादेश जो है कश्मीरी सेबू की सबसे बड़ी जो है बरामदी मंडी है। इसी हवाले से कश्मीरी जो काश्तकार है सेबू की कीमतों में बांग्लादेश में 40% इजाफा होने की वजह से काफ़ी परेशान है। आपको बता दूं कश्मीरी जो काश्तकार है उन्होंने अपनी हुकूमत से जो है मुदाखलत की अपील की है। अब आपको इस रिपोर्ट में हम दिखाने जा रहे हैं कि क्या कुछ उनकी फरियाद थी कश्मीरी काश्तकारों की जो अपनी हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। देख, मेरा नाम है हाजी अब्दुल लोन, गुंड जहांगीर का रहने वाला हूँ। और जो टैक्स गवर्नमेंट ने उसको यह 13% किया है, ये तो बहुत महंगा हमें पड़ता है। आज तो हमारा अमेरिकन मंडी में पड़ा है, कोई लेता ही नहीं, इसलिए शायद मेरे ख्याल में वापस भी लाना पड़ेगा। हाँ, हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसका कुछ इजाला किया जाए, टैक्स जो उन्होंने चढ़ाया उनको वापस लेना है, ताकि हम आपका ये काम जारी रहे। मेरा नाम है जहूर अहमद भट्ट, मैं बांडीपोरा से ताल्लुक रखता हूँ। मैं यंग सोशल एक्टिविस्ट हूँ और हमारा काम यही है कि जो भी ग्रीवेंस है, चाहे वो फ्रूट इंडस्ट्री की है, रोड की हो, जो भी ग्रीवेंस हो, हमारा यही काम है कि हम आला हुकाम तक उसको पहुंचाते हैं, उससे अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि जो आपने फैसला लिया है ये कश्मीर आवाम के लिए सरासर जुल्म है। आप इस वक्त देख रहे हो कि फ्रूट इंडस्ट्री पहले से खसारे में चल रही है। अभी हम अभी ग्रोवर्स हैं, जो मैं खुद भी ग्रोवर हूं, और आप देख रहे हैं कि अभी मंडी में हमारा माल ही कोई नहीं ले रहा है। जो इसके एक्सपर्ट हैं वो मंडी से माल ही नहीं उठा रहे हैं, इसलिए कि क्योंकि उस पर इस साल ज्यादा टैक्स लिया हुआ है, तो इसकी वजह से खसारे में इंडस्ट्री चल। गुजारिश है यहाँ के LG साहब को भी और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को भी और बांग्लादेश के जो इसके आला हुकाम है जिनके हाथों में है, तो उनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि कश्मीरियों पर नजरसानी करें।